सो गाइस, स्वागत है आपका यूनिक गेमिंग के एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज का टॉपिक आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई लेजेंड भाई को आप कैसे जानते हो और वो आपसे कैसे मिले। और गाइस, मैं इस वीडियो में आपको सब चीजें बताऊंगा कि लेजेंड भाई मेरे से कैसे मिले और मैं उनको कैसे जानता हूँ और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जो आप सबको नहीं पता वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना। मैं एक से ऐसी ऐसी बात बताऊंगा कि आप सोचोगे वाओ, लेजेंड भाई के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाला हूँ। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये कहानी है उस जमाने की जब लेजेंड भाई का नाम THG लेजेंड नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो तब एक समय था जब THG लेजेंड ने भाई जो आईडी अपनी बनाई थी तो उन्होंने अपना नाम रखा था भावेश। ठीक है, भावेश 149 ऐसे कुछ उनका नाम था। तो गाइस, वो जब गेम खेलते थे तो गाइस उनको गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था, तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे गेम स्टार्ट किया। तो आप एक चैनल को जानते हो जिसका नाम है एक्स मिनी है। ठीक है, तो वो भी मेरा दोस्त ही है, तो गाइस वो मेरे यहाँ पे ही रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, तब हम लाइव स्ट्रीम करते थे। ठीक है, एक्स मिनी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता था, तब उसके 2000 को सब्सक्राइबर थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ था कि किलर, जो कि आप जानते हो THG किलर या फिर किलर FF, जो कि लेजेंड का काफ़ी अच्छा दोस्त है और वो काफ़ी वीडियोज़ में भी उसके आया हुआ है। ठीक है, तो उस समय की बात है गाइस, क्या हुआ था कि एक्समीनिया की लाइव स्ट्रीम चल रही थी और लेजेंड एकदम से उसकी लाइव स्ट्रीम पे देखने आता था उसकी लाइव। तो ऐसे ही इसकी लेजेंड की बात हुई, तब लेजेंड एक बार कस्टम में आया एक्समीनिया के, फिर ऐसे धीरे धीरे इनकी बात हुई। ठीक है, तो किलर का एक्स जो लेजेंड है अपना वो फ्रेंड बन गया। ठीक है, तो ये दोनों साथ में खेलने लगे और फिर साथ में जो रैंक पुश करने लगे। तब इनके बीच में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ एक लाइव से मिले हुए थे। ठीक है, तो फिर ये धीरे धीरे खेलने लगे गेम। तो लेजेंड वो जो मेरा किलर है वो मेरा भाई अगर आपको पता हो तो ये दोनों आपस में खेलते थे, तो मैं भी गेम तब खेलता था। तो मेरे को भी एक बार क्या हुआ था, ये किलर और भावेश की दोस्ती हो गई थी ऐसी गेम खेल खेल के, तो फिर ये काफ़ी अच्छा गेम खेलने लगे। दोनों साथ में खेलते थे, डुओ खेलते थे ये दोनों। ठीक है, आपको नहीं पता हो तो गेम में जो भावेश किलर का काफ़ी पुराना दोस्त है और ये साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खेले हैं। ठीक है, कम से कम एक डेढ़ साल ये बहुत साथ में खेले हैं जब टू साइड से लेजेंड भाई नहीं मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैंने किलर से बोला कि भाई प्लीज़ यार मुझे हीरोइक पे पहुंचा दे। अब मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं लेजेंड भाई से कैसे मिला। तो एक दिन मैंने बोला कि भाई किलर मेरे को हीरोइक पे पहुंचा दे ऐसे ऐसे, तो भाई किलर ने मुझको मना कर दिया। ऐसे कह रहे यार मेरे अभी टूर्नामेंट है, मुझे अभी अपनी रैंक पुश करनी है ये वो। तो भाई मैंने बोली कि भाई तू मत कर, तो मैं लेजेंड से बोल देता हूँ। तो भाई मैंने लेजेंड भाई का नंबर लिया और मैंने उनको बोला यार लेजेंड पहुंचा दे हीरोइक पे। तो भाई कसम से उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया और मेरे को हीरोइक पे पहुंचा दिया। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश। फिर ऐसी मेरी भी लेजेंड भाई से दोस्ती हो गई, फिर हम साथ में खेलने लगे, कस्टम खेलने लगे और कुछ भी मतलब ऐसे काम पड़ता था तो हम एक दूसरे की हेल्प करने लगे। तो गाइस फिर ऐसे हमारी भी दोस्ती हो गई, फिर हम काफ़ी गेम खेलने लगे और ऐसे करते करते जो है एक दिन क्या हुआ कि तब आपको पता नहीं हो शायद कि लेजेंड भाई सबसे पहले गए थे गुच्ची गैंग में। ठीक है, गुच्ची गैंग में किलर और लेजेंड दोनों गुच्ची गैंग में गए हुए थे। फिर उसके बाद ये काफ़ी और गिल्ड में भी गए, जैसे KMC और डी हॉक्स वगैरह में भी गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ एक दिन, अब मैं आपको बताता हूँ कि टू साइड गेमर्स की क्या स्टोरी है, टू साइड गेमर्स से लेजेंड भाई कैसे मिले। ठीक है, तो वैसे तो आपको लेजेंड भाई ने बताया हुआ है अपने चैनल पर कि मैं कस्टम खेल रहा था ऐसे ऐसे मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई। मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी के उस दिन हुआ क्या था। तो गाइस उस दिन हुआ ये था कि कस्टम चल रहे थे THG आर्मी के। ठीक है, टू साइड गेमर्स के, तो जस और ऋतिक अपनी फुल स्क्वाड के साथ एक घर में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये किलर और जो लेजेंड भाई हैं तो ये गए और इन्होंने उनकी स्क्वाड को मार दिया था। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों को उनने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फिर धीरे धीरे ये लाइव में खेलने लगे और कस्टम में खेलने लगे, तो अच्छा गेम प्ले हो गया। तो गाइस उसके बाद जो है लेजेंड भाई जस वगैरह के साथ रेगुलर खेलने लगे और उनका काफ़ी ज़्यादा जो है उनके साथ अच्छा संबंध बन गए। उसके बाद गाइस फिर अब तो आपको पता ही है, लेजेंड भाई मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे हैं और वो क्या उनके इमेज है उनकी THG आर्मी में। सो गाइस ऐसे जो है टू साइड गेमर्स को जो है अपने भावेश भाई मिले हुए थे। सो गाइस भावेश भाई की आपकी और भी फैक्ट हैं कि गाइस आपको जैसे तो पता ही होगा वो अभी 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। ठीक है, और उनकी एज है 16 ईयर और गाइस ये तो सब आपको पता ही है।
सो गाइज अब कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या लेजेंड भाई ऐसे हैं। तो गाइज पहला जो क्वेश्चन आया था तो वो लोग पूछ रहे थे क्या लेजेंड भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि लेजेंड भाई का एम बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, उनको गाइज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है। तो गाइज वो लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते, और हाँ उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इवन वो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं, आपको शायद ही ये बात पता हो। सो गाइज वो लड़कियों से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो अपने सिर्फ एम पे फोकस करते हैं। और गाइज जो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा था वो ये था क्या लेजेंड भाई और क्या किलर एक खास भाई हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ लेकिन उनका जो बॉन्ड है वो भाई से भी बढ़कर है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा खास दोस्त हैं, और भाई वो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और हमेशा एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है प्यार दिखाते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया था तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। सो गाइज मैं अपना भी ओपिनियन जरूर देना चाहूंगा टीएचजी लेजेंड के ऊपर। तो गाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ उनकी एक बात, तो भाई वो दिल के काफी अमीर बंदे हैं, ठीक है। अगर उनके पास 10 रुपए होंगे ना तो वो 1-1 रुपए सब में बांट के खुश रहेंगे, और बिल्कुल भी भाई घमंडी नहीं है उनको, 1% का एटीट्यूड नहीं है, मैं और क्या बताऊं आपको। और गाइज वो काफी मतलब खुश दिल इंसान है, अगर आप उनसे बोलोगे लेजेंड भाई ये प्रॉब्लम है तो भाई वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो भाई वो दिल के काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मैंने ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे बताना क्या अगला टॉपिक आपको एक्स मीनिया के ऊपर चाहिए, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है, मैं उसकी लाइफ की काफी इंटरेस्टिंग बातें आपको बता सकता हूँ क्योंकि भाई वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो गाइस फिर मिलते हैं।